चैंपियंस कैसे हैं सब लोग आई होप सब बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे तो आज हम हाजिर है फिर से एक नए सेशन एक नई शुरुआत के साथ में और आज हम पूर्णाहुति का अपना सेशन नंबर थ्री है वो डिस्कस करेंगे बेटा तो यहाँ पे ये यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके अंदर से यहाँ पे कलेक्शन होगा एक घंटे क्लास होगी और यहाँ पे मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ बेटा हर बार ये चीज बोलता हूं कि यहाँ पे ये यह जो करंट अफेयर्स की लास्ट की छः से सात क्लासेस है इनको यहाँ पे मिस मत करना क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स की यहाँ पे समराइजेशन है वो हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं ठीक है तो यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर सेशन को शुरू करने से पहले अगर मैं ऑल इंडिया महायज्ञ की अगर मैं बात करूं महायज्ञ थ्री है वो कल सुबह सात बजे स्टार्ट होने वाला है महायज्ञ थ्री कल सुबह सात बजे स्टार्ट होने वाला है और ये महायज्ञ बाकी दो महायज्ञ से कुछ अलग हटके होने वाला है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके वन थाउजेंड क्वेश्चन है वो वन थाउजेंड कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन है वो अपने कॉन्सेप्ट को है वो टच करता हुआ निकलेगा कल सुबह सात बजे ये सेशन स्टार्ट होगा बेटा जो शाम को छः बजे तक चलेगा सॉरी सात बजे तक चलेगा बारह घंटे का सेशन होगा और उसके बाद में कल यहाँ पे आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है वो होगा क्योंकि पहले हमने दो का प्लान लिया था लेकिन कल कुछ बच्चों को यहाँ पे कुछ बच्चों ने मिस कर दिया और तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्योंकि वो आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम की फील देता है और एग्जाम से पहले जो एग्ज़ाम की जो आपको एक मतलब की जो फील है वो यहाँ पे अपने आप को कहीं ना कहीं जो आपका स्कोर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मैन एग्जाम में बैठने के लिए क्योंकि आपका अगर यहां पे जो स्कोर आ रहा है यहां पे जो स्कोर कर रहे हो आप मान के चलिए उससे दो चार नंबर प्लस माइनस के अलावा वहीं पे क्योंकि सेम टाइमिंग है सेम पैटर्न सेट आपका कंप्लीट क्योंकि आप जैसे इंग्लिश का फिजिक्स का पेपर दे रहे हो तो फिजिक्स का पेपर आप बीस मिनट में ही कर पाओगे और बीस मिनट में करके आगे नहीं भाग पाओगे उसके बाद में आप कंप्लीट टाइम स्पेंड करोगे फिर नेक्स्ट जाओगे फिर वहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे फिर नेक्स्ट जाओगे तो स्लॉट्स और कंप्लीटली है वो एग्जाम पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट है वो दिया जा रहा है माई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है और उसके ऊपर हमारी टीम एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट बेटा यहां पे अगर खर्च कर रही है उस पर क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्वर का यूटिलाइजेशन है वो भी कई गुना बढ़ता है और उसी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा कॉस्ट है वो हमारी टीम को यहाँ पे पे करना पड़ता है लेकिन फिर भी आप लोगों के इंटरेस्ट में ध्यान रखते हुए वो चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं उस टेस्ट को देखें यहाँ पे क्योंकि कल इक्यान बच्चों ने यहाँ पे एक्स

कल सात बजे तक ही होगी यहां पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर पैंतीस करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है किसने लगाया बेटा एनजीटी ने यहाँ पे किस पे लगाया है कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट है उस उसपे लगाया है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है तो ये है आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे लगाया ऑल तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास में सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई करने के चांसेस है लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने लगभग पैतीस करोड़ रुपए का जो फाइन है वो लगाया है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए खबरों में रहा मारतंड सूर्य मंदिर किस राज्य शासित प्रदेश में स्थित है मार्ते सन टेम्पल विश्वास सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी यहाँ पे कहाँ पे बेटा यहाँ पे ये अनंतनाग में है आपका कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये यह यहाँ पे डिस्प्यूट्स में क्यों क्यों आया था क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर है गवर्नर नहीं है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है वो यूटी बन चुकी है यूटी बन चुकी है, है यूनियन टेरेट्री बन चुकी है और यूनियन टेरेट्री के अंदर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं गवर्नर नहीं बैठते तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके लिए उनको लेके यहाँ पे

फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन का यहाँ पे रनर अप कौन है फ्रेंच ओपन का रनर अप फ्रेंच ओपन का रनर अप कौन है यहाँ पे तो यहाँ पे रनर अप का मतलब उपविजेता कौन है है हाँ ना तो विजेता सबने याद कर रखा था लेकिन वहां पे पूछ लिया था उपविजेता और यहाँ पे आपके फ्रेंच ओपन के रनर अप है वो भी कैशपर उड थे और यहाँ पे स्विस ओपन के विनर है वो भी यहाँ पे कौन है कैसपर रूड है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवा चुका हूँ मल्टीपल टाइम करवा चुका हूँ और डिफेंस में इस तरह के क्वेश्चन अपना ही इंपॉर्टेंस होता है डिफेंस में इस तरह के क्वेश्चन होता है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ऑखोटास्ट का सागर जो खबरों में रहा किस महासागर का समुद्र है कौन से एरिया के अंदर यहाँ पे आता है और इस सेगमेंट को लेकर मैं आपको मल्टीपल टाइम से वो चीजें हैं वो करवा चुका हूँ कम से कम चार पांच बार इसके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ आपका बेटा तो ओखोटेस्ट का सागर है कहां पे है सी ऑफ ओखोटस्क है ये यहां पे आपका ये आपका जापान आता है ये जापान है और ये आपका रशिया का पूर्वी हिस्सा है और यहां पे हमने वोस्तोक एक्सरसाइज के ऊपर बातचीत की थी वोस्तोक एक्सरसाइज है वो यहां पे किसने ऑर्गेनाइज की थी किसने होस्ट की थी बेटा वोस्तोक एक्सरसाइज वॉस्टॉक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे किसने होस्ट की थी यहाँ पे ये रशिया ने होस्ट की थी और रशिया ने होस्ट करने के साथ ही साथ इसके अंदर क्या इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था इसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन चाहूंगा कि यहाँ पे रशिया अगर इंडिया ने वॉस्टॉक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पे जो सी ओ वॉस्टॉक में नेवल एक्सरसाइज हुई थी क्या उसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था नहीं किया तो क्यों नहीं किया अगर करंट अफेयर्स की मेरी क्लासेज पीछे सारी ली है तो एक बार रीज़न यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्योंकि इसलिए बताना बेटा यहाँ पे तो वोस्तोक है उसके अंदर इंडिया और यहाँ पे इंडिया बेलारूस और उसके साथ साथ यहाँ पे चाइना और रशिया के जो सेंट्रल एशियन फ्रेंडली कंट्रीज है उन्होंने सभी ने यहाँ पे वोस्तोक एक्सरसाइज है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था लेकिन इंडिया है वो यहाँ पे वोस्तोक जो सीओ वोस्तोक सॉरी सीओ सी ऑफ औखोटेस्क है उसके अंदर जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी उसके अंदर यहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिया ने पार्टिसिपेट हो नहीं किया था यहां पे क्यों नहीं किया था यहां पे वो इसलिए नहीं किया था बेटा यहां पे क्योंकि यहां पे है ना क्यों नहीं किया था क्यों नहीं किया था यहां पे इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहां पे एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है सर इंग्लिश वाला वीडियो नहीं दिखा रहा है मतलब अरे मेरे भाई अभी जो क्लास हुई है उसका वीडियो दिख जाएगा ना वो टाइम में सेव होने में टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है बेटा है ना मैं सोच रहा हूँ यहां पे आपको क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे इंग्लिश का पार्टिसिपेट नहीं दिख रहा है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है है हाँ ना तो यहाँ पे क्या है कि आपकी इसके अंदर जो सी के अंदर जो एक्सरसाइज हुई थी उसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसका रीजन क्या था उसका रीजन ये था कि यहाँ पे ये जो आप डॉट 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 दिखाई दे रहा है आपको ये कौन से हैं कुरिल आइट है ये कुरील आइलैंड से ये आपके कुरियल आइलैंड है उनके अंदर से यहाँ पे जो दो आईलैंड्स है वो यहाँ पे क्या किया था 1945 में यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशिया से जापान ने कैप्चर कर लिए थे सॉरी जापान से रशिया ने कैप्चर कर लिए थे और वो रशिया के कंट्रोल में है लेकिन जापान उनको क्लेम करता है तो उन्हीं आइलैंड के आसपास यहाँ पे क्या है वो एक्सरसाइज होने वाली थी और यहाँ पे जापान ऑब्जेक्शन करता तो इंडिया ने बोलिए देखिए रशिया को बोला देखिए आप हमारे फ्रेंडली कंट्री है लेकिन जापान भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है इस वजह से यहाँ पे आप ये एरिया

तो यहाँ पे ये कौन से एरिया के अंदर है ये आपका किसके अंदर आता है पैसिफिक सी के अंदर आता है ये कंप्लीट ये जो इस साइड का पूरा भी जितना एरिया है वो सारा का सारा कहां पे आता है बेटा पैसिफिक सी के अंदर आता है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये माया नगरी की माया है इसके ऊपर मैं दो तीन बार क्वेश्चन करवा चुका हूं और इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है इस पे भी आपका क्वेश्चन है बेटा वो पूछा जा सकता है खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है ना जानवर दुनिया की पहली क्लोनिंग है जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे आपका क्लोन अगर बनाया जा रहा है तो यहाँ पे अगर जानवरों का क्लोन बनाया जा सकता है तो इंसान का क्लोन भी है वो बनाया जा सकता है और यहाँ पे ये यह जो क्लोनिंग का काम किया है वो किसने किया है ये चाइना ने किया है चाइना ने जो जेनोमिक इसके जो जीन थे उसे यहाँ पे एक नया क्लोन है वो अवतरित कर दिया और वो किसका क्या है

करने वाले युवा इलेक्ट्रोल कार्ड के लिए इलेक्ट्रोल कार्ड के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं मतलब कितने साल का बच्चा वोट कितने साल का बच्चा दे सकता है आप 18 साल के हो गए तो आप इलिजिबल हो वोट के लिए लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई कितने साल के कि क्यों ना मेरे अट्ठारह साल के बाद में हो सकता है कि अठारह साल का होते ही जिस दिन अठारह साल का हुआ उसी दिन हो सकता है कि मेरी वोटिंग का मतलब कि चांस मिले मुझे तो मैं क्यों अपना वोटिंग राइट यहाँ पे लूज करूँ तो उस वजह से कितने साल का बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है कि मेरे को इलिजिबल हो गए और मेरी यहाँ पे वोटर आई बना

नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रिवीजन के क्वेश्चन आपके फिल्टर्ड क्वेश्चन है लेकिन रिविजन के क्वेश्चन अगर जिसने मेरी एप्लीकेशन की सारी क्लासेस लगा, लगा रखी है उनको यहाँ पे डेफिनेटली है ये सारे सारी क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखे हुए नजर आ रहे होंगे बेटा 2022 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है विच इंडियन सिटी इज द हॉस्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे तो यह है आपका मुंबई करेक्ट आंसर क्या है आपका मुंबई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आजीविका और आय वृद्धि योजना के लिए कृषक सहायता किस राज्य द्वारा लागू की गई है कालिया है ना कालिया ये मूवी नहीं है कालिया है ना ये सोली मूवी का कालिया नहीं है ये कालिया स्कीम का नाम है तो यह यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट की गई है बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर क्या है यहां पे कालिया करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका फिर से डिफेंस के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा डिफेंस के अंदर यहाँ पे फिर से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेजेरो क्रेटर और वाइल्ड रिज किस ग्रह में पाई जाने वाली संरचनाएं है जेजेरो क्रेटर वाइल्ड कैट रिज आर दी स्ट्रक्चर फाउंड इन दी विच प्लान रिज का मतलब होता है चोटी जैसे समुद्र वो पहाड़ होता है ना तो पहाड़ की एक चोटी होती है जैसे इधर डलाना उधर डलाना बीच में जो ऊंचाई होती है उसको रिज बोलते हैं ना तो यहाँ पे ये आपकी वाइल्ड केट रिज और जेजेरो क्रेटर ये कहाँ पे है कौन से ग्रह के ऊपर है बेटा यहाँ पे कौन से ग्रह पे है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्या है ये मार्स पे है मार्स पे है और यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है आपका कि जेजेरो क्रेटर कहाँ पे है या वाइल्ड केट रिज कहाँ पे है ना उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं मार्स

सालदा लेक है वो यहाँ पे सालदा लेक है वो यहाँ पे कैसी दिखाई देती है ये सालदा लेक है और इसकी क्वालिटीज है वो यहाँ पे जेजेरो क्रेटर से मिलती जुलती है जेजेर क्रेटर से सालदा लेक की जो लुकआउट है जो स्ट्रक्चर है संरचना है वो मिलती जुलती है किससे जेजेरो क्रेटर से बेटा मिलती जुलती है जो यहाँ पे कहाँ पे है मार्स पे है बेटा ठीक है उसी के साथ में यहाँ पे मार्स मिशन है उसी के ऊपर अगर हम बात करें एक और मिशन आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस मिशन यहाँ पे आर्टेमिस मिशन बेटा आर्टेमिस मिशन का भी आपका क्वेश्चन है बहुत बार करवा चुका हूं जो यूएसए है उसका मून मिशन है जिसके मल्टीपल चरण होंगे चरण चरण वन टू थ्री फोर जिसके कुछ चरण है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं और इसीलिए यह काफ़ी डिस्कशन में आ चुका है आर्टेमिस मिशन और आर्टेमिस मिशन है जिसके तहत यहाँ पे उन्नीस के बाद में पहली बार यहाँ पे फिर से क्या है कि सॉरी यूएसए है वो वहां पे चांद पे मतलब कि इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है बेटा ठीक है बिल्कुल टर्की के अंदर है सालदारे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्याय मित्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था न्याय मित्र प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर कब लॉन्च किया गया था बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है यहां पे न्याय मित्र कब शुरू किया गया था न्याय मित्र है वो 2017 के अंदर यहां पे स्टार्ट किया गया था बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुर्की ऋण चूक के मामले में किसानों की भूमि को कुर्की करने की प्रक्रिया किस राज्य में प्रचलित है कुर्क करना जिसके बोलते हैं कुर्की करने का मतलब क्या होता है अगर आप लोन ले लेते हो और बाद में अगर आप यहाँ पे क्या करते हो बैंक को यहाँ पे पैसा नहीं जमा करवा पाते हो तो बैंक के पास में राइट्स होता है कि वो आपकी जो लैंड है उसको यहाँ पे सेल आउट कर दे तो वो सेल आउट करना है वो कुर्की कहलाती है ये यहाँ पे क्या है इसके अंदर ऑप्शन है उसके अंदर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो पंजाब है लेकिन इस तरह की स्कीम है वो राजस्थान में भी परमिट है राजस्थान के अंदर भी यहाँ पे लैंड है उसके ऊपर यहाँ पे कुर्क करने का यहाँ पे बैंकों को राइट्स होता है अगर आपका बैंक है वो पैसा नहीं चुका पा रहे बैंक का तो वो आपकी जमीन को सेल आउट है वो कर सकते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बत्तीस साल की सेवा के बाद हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है है ना तो यहाँ पे भी इसका जो डिस्कशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है वो बन सकता है बेटा यहाँ पे बत्तीस साल की सेवा के बाद में कौन सा है यहाँ पे तो यह है आपका इंडियन नेवल शिप अजय अजय को यहाँ पे बत्तीस साल के बाद में यहाँ पे वो कर दिया गया है उसी के साथ में आई एन एस कुकरी पे क्वेश्चन बन सकता है आई एन एस कुकरी आई एन एस कुकरी और आई कुकरी क्यों यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे क्यों उसपे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये 1989 के अंदर कमीशन हुई थी आई कुकरी जो रिसेंटली हाल ही वो भी डिकमीशन हुई थी और उसी को यहाँ पे दमन एंड दीव के पास में क्या किया गया है उसको म्यूजियम के अंदर रखा गया है अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे दमन एंड दीव के पास में काउंटर क्वेश्चन पूछ ले मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन बना दे कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको आंसर बना दे आंसर को क्वेश्चन बना दे कि कुकरी है उसको यहाँ पे दमन एंड दीव के पास में जो हाल ही में डी हुई उसको उसमें वो किया गया है म्यूजियम के रूप में रखा गया है कारण बताइए कारण यह है कि यहाँ पे जो कुकरी है वो जब हमारा पाकिस्तान के साथ में तीन दिसंबर से लेकर सोलह दिसंबर के बीच में युद्ध हुआ था है ना उसी युद्ध के टाइम पे यहाँ कि जो आई कुकरी है वो यहाँ पे क्या हो गई थी सिंक हो गई थी डूब गई थी है ना युद्ध के अंदर और उसके अंदर हमारे अट्ठारह ऑफिसर्स और लगभग सत्तर से अस्सी सोल्जर्स है सेलर्स है वो यहाँ पे क्या हो गए थे शहीद हो गए थे और उसी यादगार के अंदर ये कहाँ पे डूबी थी वहाँ पे दमन एंड दीव के पास में और उसी वजह से दमन एंड दीव के पास में उसको यहाँ पे म्यूजियम के रूप में रखा गया है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुर्दरा दे किस देश में खोजा गया था पे खोजा गया है यहाँ पे ठीक है यहां पे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है यह है आपका एंगोला और एंगोला कहां पे है बेटा ये एंगोला सिटी एंगोला शहर है वो कहां पे शहर क्या रही है इस... कंट्री है वो कहां पे है या आपका दक्षिणी अफ... दक्षिणी सॉरी दक्षिण अफ्रीका कह रहे है अफ्रीका कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप है जिसके अंदर लगभग चौवन आपके देश है है ना 54 देश है उसके अंदर अंगोला है एक छोटा सा देश है यहाँ पे जो यहाँ पे डीआरसी के नीचे आपको दिखाई देगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा तेरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाना है सोलर के ऊपर क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे बेटा वो है आपका मध्य प्रदेश और यहां पे जो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ये 600 मेगावाट के आसपास जो 22 तेईस के अंदर यहाँ पे तेईस से पहले पहले यहाँ पे कंप्लीट है वो हो जाएगा बेटा उसी के साथ में यहाँ पे और क्वेश्चन सोलर पे क्या क्या बन सकते हैं एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका प्रेसिडेंट कौन है इंडिया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पे हेड ऑफिस कहां पे है गुरुग्राम के अंदर है ठीक है उसके अलावा दो और क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑपरेशनल सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है तो वो है भद्रा जोधपुर में जिसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा जिसकी कैपेसिटी और लगभग 2245 2245 मेगावाट के आसपास है और उसी के साथ में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आप सोलर प्लांट की बात करो तो वो कहाँ पे है रन ऑफ कच्छ के अंदर है जिसकी कैपेसिटी है वो लगभग पैंतालीस मेगावाट के आसपास है वो है बेटा लगभग 4500 मेगावाट के आसपास रन ऑफ कच्च के अंदर यहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो बन रहा है और उस पे भी एक और क्वेश्चन बन बन जाए कि ये इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो कौन सी कंपनी बना रही है तो ये एन टीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी बना रही है एन टीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहां पे जो रन ऑफ कच्च के अंदर सोलर पावर प्लांट है उसको यहां पे बना रही है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहां पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाल ही में खबरों में रहा गिंडी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है गिंडी नेशनल पार्क ये यहाँ पे क्या है अगर कहीं चेन्नई में रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन का अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा ये करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु है तमिलनाडु के अंदर जो चेन्नई है चेन्नी के चेन्नई के अंदर ही यहाँ पे क्या है आपका गिंडी आता है और उसी वजह से वहीं पे नेशनल पार्क है ये ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है भारत ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर किस अफ्रीकी देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं समझौता ज्ञापन प्रस्ताक्ष से किसने कौन से देश ने किया है बेटा यहाँ पे कौन से देश के साथ में अभी हम अपने रिलेशन है वो बेटर कर रहे हैं यहाँ पे मैप के थ्रू सारी जो ये स्ट्रेटेजी है वो समझेंगे यहाँ पे तो यह है इजिप्ट इजिप्ट के साथ में रिसेंटली है वो इंडिया अपने रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहा है वहाँ पे अपनी अपने डिफेंस मिनिस्टर है वो भी गए थे और हमारी एयरफोर्स है उन्होंने भी उनके साथ में है रिसेंटली अभी एक्सरसाइज की है तो यहाँ पे कहाँ पे है इजिप्ट इजिप्ट आपका यहाँ पे है इजिप्ट आपका यहाँ पे है ये आपका रेड सी आ गया और ये आपका मेंटेनेंस आ गया यहाँ पे इस साइड से आप यहाँ पे मतलब कि जाओगे अरब सागर से यहाँ पे रेड सी से होते हुए अरब सागर से यहाँ से होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए स्वेज कैनाल आपके यहाँ पे आती है स्वेज कैनाल किसके अंडर में आती है ये इजिप्ट के अंडर में आती है बेटा ठीक है तो ये आपकी स्वेज कैनाल आ गई और उसी के साथ में ये जियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी ये मैप लगाने का मेरा रीजन यहीं पर है इजिप्ट के साथ में इंडिया अपने रिलेशन बेटर कर रहा है इसराइल यहाँ पे है है ना इसराइल यहाँ पे है तो इसराइल के साथ में अपने रिलेशन से वो बेटर कर ही रहे हैं इसराइल हमारा आई टू यू टू का पार्ट है आई टू यू टू का पार्ट है आई टू यू टू यहाँ पे मिडिलस्ट क्वाड भी बोलते हैं जिसको इसके अंदर कौन कौन से देश हैं यहाँ पे इसके अंदर आपका यहाँ पे यू है यहाँ पे यू ए यू ए है वो एक यू है यू एक यू है यू एस ए और एक और इंडिया ये चारों इसके आई टू यू के मेंबर है तो यहाँ पे इजिप्ट के साथ अपने रिलेशन बेटर हो जाएंगे इसराइल के साथ बेटर हो जाएंगे और यहाँ साइप्रस के साथ में अभी हमारे लास्ट वीक की फॉरेन मिनिस्टर को आपने देखा होगा फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर साइप्रस में गए थे वहाँ पे भी अपने डिफेंस है वो रिलेशन बेटर कर रहे हैं हम क्यों क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे कंप्लीट मिडलिस्ट है उसके साथ में अपनी यहाँ पे जो मेजर जो पावर्स है उनके साथ में अगर रिलेशन है वो बेटर कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा डोमिनंस है वो एक स्थापित होगा और उसी वजह से यहाँ पे क्या है साइप्रस के साथ में यहाँ पे अपना रिलेशन है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो तुर्की है ये तुर्की यहाँ पे सर उठा रहा है ये यह तुर्की यहाँ पे तंग कर रहा है हिंदुस्तान को यहाँ पे एक और करंट का क्वेश्चन बनता है टर्की का नाम चेंज होकर तुर्की हो गया एन में क्वेश्चन आ चुका है आपके भी आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे विजिट इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि यहाँ पे तुर्की है वो हिंदुस्तान को तंग कर रहा है कैसे कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये हो गया तुर्की हो गया और ये अजरबैजान हो गया ये दोनों देश पाकिस्तान को बोलते हैं कि तुम जो भी क्लेम करोगे हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे इसका मतलब क्या है कि ये दोनों देश है कश्मीर के मामले में यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे साइप्रस में हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की और डिफेंस डील वगैरह को लेकर है काफ़ी अपने रिलेशन से वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं अब यहाँ पर अजरबैजान को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आर्मेनिया है है ना वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है तो यहाँ पे अजरबैजान को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया के साथ में अपने रिलेशन से वो बेटर करें और रिसेंटली हमारी लगभग 240 मिलियन यूएस डॉलर की डील साइन हुई थी यूएसडी की डील साइन हुई थी और जिसके अंदर हम क्या क्या सेल करें यहां पे हम पिनाका रॉकेट और उसके साथ साथ नाग मिसाइल है नाग मिसाइल है ये यहाँ पे क्या किसको सेल कर करें बेटा ये हमें आर्मेनिया को सेल करें नाग क्या है आपकी एंटी टैंक मिसाइल है नाग क्या है आपकी एंटी टैंक मिसाइल है तो ओवरऑल यहाँ पे आपको पूरी जियोपोलिटिक्स समझ में आ गई होगी अजरबैजान को काउंटर करने के लिए अर्मेनिया को हम वेपन दे रहे हैं क्योंकि दोनों के अंदर यहाँ पे युद्ध चल रहा है है ना रिसेंटली युद्ध भी हुआ था उसी के साथ में इसराइल के साथ में हम रिलेशन बेटर करें और यू के साथ में है वो रिलेशन बेटर करें तो आई टू के तहत हम यहाँ पे क्या है मिडल ईस्ट को यहाँ पे

सीपा साइन किया था उसका नतीजा मान लीजिए कि कल ही यहाँ पे पाकिस्तान और यूएई के बीच में एक जो साझा मतलब कि बयान जारी हुआ था उसके अंदर कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं है वरना हमेशा से पाकिस्तान है वो किसी भी देश में जाता है तो कश्मीर का राग पहले अलापता है लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट जो स्टेटमेंट जारी हुआ था यू के साथ में पाकिस्तान का कल कल की शाम की न्यूज़ है उसके अंदर कहीं भी क्या है कश्मीर का जिक्र नहीं है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन क्या है किस कंपनी ने भारत के पहले तरलीकृत प्रा, प्राकृतिक गैस ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया है एलएनजी का यहाँ पे किसने यहाँ पे क्या किया है नेचुरल गैस है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसका उससे चलने वाले ट्रक का यहाँ पे जो अनावरण किया है वो किसने किया है ये आपका ब्लू एनर्जी ने किया है ब्लू एनर्जी ने किया है और इसकी कैपेसिटी क्या है कितनी फैसिलिटी है यहाँ पे ये साल का दस हज़ार ट्रक है वो बना सकता है जो एल से चल सकता है और यहीं पर आ जाती है आपकी क्लाइमेट को लेकर चीज़ें और क्लाइमेट वाली चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कॉप ट्वेंटी की मीटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे हुई थी इजिप्ट में हुई थी है ना इजिप्ट के अंदर यहाँ पे दो की

है ना वो कहते हैं ना कि हम पड़ोसी के साथ में भी कभी बनती नहीं है तो वैसे ही क्या होती है स्टेट्स के अंदर भी आपस में बनती नहीं है एक और करंट का क्वेश्चन बनाता है इससे पहले ही कि कौन से दो यहाँ पे हमारे जो स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली एक मतलब कि मेजर मतलब कि है डिस्प्यूट है उसको क्लोज किया था या उसको सेटलमेंट किया था तो वो क्या था अरुणाचल प्रदेश ने और आसाम ने अरुणाचल प्रदेश है और आसाम ने यहाँ पे क्या है लैंड डिस्प्यूट है वो यहाँ पे सेटल किया था क्योंकि दोनों के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है तो ऊपर से यहां पे क्या है बोस का ऑर्डर आया यहां पे है ना तो यहाँ पे अमित शाह जी का ऑर्डर है कि सेटल करो इन चीज़ों को तो वहाँ से दोनों ने मिल फिर सेटल कर लिया और वहीं पे इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हुई थी बेटा यहाँ पे ये यह जो ब्रू परिवार हैं यहाँ पे मणिपुर को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे इनको सेटलमेंट कहाँ किया गया है इन परिवारों को इनको त्रिपुरा के अंदर यहाँ पे सेटल किया गया है उसी के साथ में यहाँ पे देखोगे तो म्यांमार यहाँ पे है ना म्यांमार यहाँ पे है और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है सिट पोर्ट सिट पोर्ट और सिट पोर्ट के अंदर इंडिया कितना लगभग साढ़े चार सौ मिलियन यूएस डॉलर है वो खर्च कर रहा है किस लिए कर रहा है सिट पोर्ट को बिल्ड करने के लिए जिससे हम क्या करेंगे यहाँ कोलकाता से हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी बना के और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहुंच सके पहुंच सके इसलिए यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है सिट पोर्ट को बिल्ड कर रहा है ठीक है बेटा जिससे कि बाई चांस हमारे चिकन नेक है वो अगर यहाँ पे यू एस वो सो चाइना है वो कभी भी चिकन नेग को मतलब कि ब्लॉक कर दे तो भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में पहुँचने के लिए यहाँ पे अल्टरनेट कनेक्टिविटी रहे इसके अलावा भी हम यहाँ पे क्या करें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पहुँचने के लिए और अल्टरनेट कनेक्टिविटीज़ है वो बिल्ड करें जिसके अंदर हमने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी साइन किया है बी के थ्रू बी BB... I -N, B -B -I -N है उसी के तहत हमने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है वो भी साइन किया है जिसके अंदर यहां पे बांग्लादेश के साथ में नेपाल के साथ में और इंडिया तीनों ने यहाँ पे है बी आई एन ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया और भूटान है वो ऑब्जर्वर रहा था बेटा तो ये वाला किसके साथ में कहां पे हुआ है बेटा ये करेक्ट आंसर है वो आपका हाँ त्रिपुरा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ठीक है आपका लॉगिंग नहीं हो रहा है तो आप हेल्प डेस्क से कॉल कीजिए वहां पे रीच आउट कीजिए आपको हेल्प डेस्क नंबर है वो दिए हुए हैं और उसके ऊपर यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी बेटा मेरे पास यहां पे हेल्प नहीं हो पाएगी अभी 2022 में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का विषय क्या है विश्व दिवस का विषय क्या है ये कब सेलिब्रेट किया गया है विश्व दिवस ये आपको 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है और उसकी थीम क्या है एक थीम पे क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे और करेक्ट आंसर क्या है यूज ऑफ अब्यूज टेक्नोलॉजी यूज एंड अब्यूज टेक्नोलॉजी यूज एंड अब्यूज टेक्नोलॉजी ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ही ये चीज हम बार बार बोल चुके हैं बेटा और कल सुबह से सात बजे सात बजे से यहां पे क्योंकि आपकी बार एक और रिस्क है कि आपका क्या होता है कि हर बार तो क्या होता है पहले सेशन छूट जाता है तो आप सात बजे बाद में देख लेते हो ये सेशन है वो सात बजे बाद में एंड हो जाएगा सात बजे क्योंकि सात बजे आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसी वजह से ये सेशन है वो सात बजे बाद में अवेलेबल नहीं रहेगा सुबह अगर मिस हो गया तो बाद में आप दोपहर बाद में इसको सेशन को नहीं देख पाएंगे इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है हर हालत के अंदर और यहाँ पे सुबह सात बजे से ही यहां पे है वो कनेक्ट करना है क्योंकि हर बार तो रात को एक बजे सेशन एंड होता है तो शाम का सात आठ घंटे का आपको टाइम मिल जाता है लेकिन ये टाइम है

कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करता है ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं और यहां पे इसको यहां पे फिर से देख लीजिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहां पे इंडिया 2021 और 2022 के अंदर मेंबर था और मेंबर रहते हुए इंडिया दो कमेटियों का भी मेंबर था जिसके अंदर एक थी यहाँ पे काउंटर टेररिज्म और एक अलकायदा कमेटी कमीटिय। दोनों कमेटियों की इंडिया है वो क्या था यहाँ पे चीफ था और उसी कड़ी के अंदर यहाँ पे टेररिज्म को लेकर काउंटर टेरिज्म

तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है भारत के लिए पदक जीतने वाली तुल्लिका मान और सुशीला लिकम्बम कौन सा खेल खेलती थी कौन सा खेल खेलती थी बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है तो यह आपका जूडो खेल है वो खेलती थी दोनों ने सिल्वर मेडल जीता था और ये कहाँ पे जीता था बेटा ये कॉमनवेल्थ में कॉमनवेल्थ है उसके अंदर यहाँ पे क्या है कॉमनवेल्थ के अंदर यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या जीता था मतलब कि इन्होंने जूडो से खेल थी और कॉमनवेल्थ गेम्स जो रिसेंटली हुए थे कहाँ पे हुए थे बेटा ये ये हुए थे आपके कहाँ पे हुए थे ये आपके बीरभंगम यूके में हुए थे यहाँ पे 2022 के 2022 के यहाँ पे कहाँ पे हुए थे बेटा ये यूके के अंदर हुए थे यू के कॉमनवेल्थ के अंदर यहाँ पे इंडिया है वो फोर्थ पोजीशन पे था इंडिया कौन सी रैंक थी इंडिया की टोटल यहाँ पे फोर्थ रैंक थी जिसके अंदर हमने लगभग फिफ्टी सेवन मेडल्स है वो जीते थे फिफ्टी सेवन मेडल है वो इंडिया ने यहाँ पे जीते थे बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है फास्ट लो बेटा लो लो है ना क्वेश्चन यहाँ पे क्योंकि हमें कम से कम पचास से साठ क्वेश्चन पे इस सेशन में कंप्लीट करने हैं ठीक है स्पर्श पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है स्पर्श जो पहल है वो किससे जुड़ी हुई है बेटा यहाँ पे ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी हुई है और इसी के तहत यहाँ पे क्या है एच बैंक के साथ में यहाँ पे क्या करें जो आपका जितने भी रिटायर्ड पर्सन है उनको यहां पे पेंशन देने की जो फैसिलिटी है सहलियत है वो सहुलियत प्रोवाइड करने के लिए यहां पे क्या कर रहे हैं यहां पे एच बैंक के साथ में यहां पे है जो मिनिस्ट्री है वो यहां कर रही है और उसी का पहल का नाम दिया गया है स्पर्स इनिशिएटिव ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे किस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च दो हजार बाईस तक भारत का विदेश ऋण कितना है सॉरी वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है बाहर से क्योंकि अंदर तो घरी घर के अंदर तो पैसा एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया दूसरे ने दे ले दिया लेकिन आपका नेट कर्जा कितना है आपस में तो है ना वो मियाँ बीवी का या बेटी बेटी का कर्जा है वो एक दूसरे को देख के है ना बेटे को यहाँ पे आप पैसा दे दो बोले कि देख बेटा तेरे पे पचास हज़ार ऋण हो गया है लैपटॉप खरीद दिया है तेरे पचास हज़ार कर्जा हो गया है जब तू जो जॉब लगेगा तब तो वापस दे देना वो कर्जा मान्य नहीं होता है आपका घर के बाहर कितना कर्जा है वो मान्य होता है तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर दो हज़ार बाईस तक सॉरी मार्च 2022 तक है वो कितना ऋण है वो यहां पे हो गया था 620 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था और इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो एक टाइम पे हमारे पास में छः सौ बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास ऋण हो सॉरी फॉरेन करेंसी है वो हो चुकी थी लेकिन उसके बाद में है ये यहाँ पे फॉरेन रिजर्व है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता चला गया और अभी लगभग साढ़े पांच सौ बिलियन के आसपास है वो हमारे पास में फॉरेन रिजर्व है तो एक टाइम पे हम नेट क्रेडिटर बन चुके थे लेकिन उसके बाद में हमारा फॉरेन रिजर्व है वो वापस से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जीरोज एयरक्राफ्ट जो खबरों में था किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाना तय है

भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन थे यहाँ पे मंकी पॉक्स है उसके ऊपर भी मैंने एक करंट अफेयर दूसरी तरीके से भी करवाया था मंकी पॉक्स को यहाँ पे एम पॉक्स बोला गया है डब्ल्यू एच ओ ने यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ ने यहाँ पे मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एमपोक्स कर दिया है बेटा ना M पे कर दिया गया है जिससे कि रेसिज्म जैसी यहाँ पे कोई वो है वर्डिंग या भाव है वो ना निकल के इसलिए यहाँ पे मंकी पॉक्स को एमपोक्स बोल दिया गया है है ना बोला गया है उसको नया नाम दे दिया है यहाँ पे मंकी पॉक्स की केसेस है उनको यहाँ पे निगरानी रखने के लिए वीके पोल है वो जो कमेटी बनाई गई उसके हेड थे बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अफ्रीका से भारत में चीतों के स्थानांतरण के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है और यहीं पे आपका पहला जो लास्ट ईयर एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आया था वो इसी इवेंट से रिलेटेड था क्वेश्चन और इसी इवेंट से रिलेटेड आपके बाद में हमने कम से कम बीस बार आपको ये क्वेश्चन है वो करवाए हैं बेटा तो यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ जो प्राधिकरण है उसने यहाँ पे ये यह किसके साथ कॉर्डिनेट किया था ये आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में किया है बेटा लिमिटेड जिसको आईओसीएल भी बोलते हैं आईओ सी के साथ में कोऑर्डिनेट किया था अब यहां पे एक और क्वेश्चन है जो पिछली बार एयरफोर्स में आया था वो कहता है यहाँ पे कि कौन सा नेशनल पार्क है जो आपका क्वेश्चन तो ये था कि कुनो जो कुनो नेशनल पार्क है वो कहां पे है लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था वो तो ये था कुनो नेशनल पार्क है वो कहां पे है तो वो एमपी में है और इसीलिए यहाँ पे यह बोलते हैं

तो यहां पे ये IUCL है करेक्ट आंसर क्या है बेटा आपका आयुसीएल है बेटा ठीक है नेक्स्ट 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 क्वेश्चन 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 देखिए देखिए बेटा है अगस्त 2022 मौद्रिक नीति अगस्त जकार्ता नहीं है मेरे भाई नीचे देखिए कमेंट दूसरे बच्चे ने कमेंट कर रहे हैं नौसंतरा है ना तो यहाँ पे अगस्त 2022 मौद्रिक नीति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है क्योंकि जो जकार्ता कमेंट कर रहा है वो मुझे लग रहा है हमारी क्लास के अंदर पहली बार आ रहा है ये बच्चा है ना ये बच्चा हमारी क्लास के अंदर है। पहली बार आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है यहाँ पे ये यहाँ पे अगस्त के अंदर पूछा गया है तो अगस्त के हिसाब से तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो कुछ भी हो सकता है 5.4 मान लीजिए वो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे करंट करेक्ट आंसर क्या है कि प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे रेपो रेट क्या है आपकी है ना तो प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे 6.15 आपकी परसेंट है वो रेपो रेट है अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे क्या होता है रेपो रेट क्या होती है रेपो रेट यहाँ पे क्या होती है रेपो रेट यहाँ पे क्या होती है बेटा उसका आंसर बताइए यहाँ पे रेपो रेट क्या होती है रेपो रेट होती है कि यहाँ पे ये आर है ये आर है और ये मान लो एच डी या कोई सा भी बैंक है एच बैंक है या एस है है ना तो इनको यहाँ पे जो लोन देंगे उसके ऊपर ये तो यानी कि फोकट के अंदर ही मंचाया पैसा दे दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे इनको जो लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो रेपो रेट कहलाती है ये आपकी रेपो रेट कहलाती है और उसी के साथ में इन पे इन बैंकों के पास में पैसा ज्यादा हो गया ये आरबीआई के पास में जमा करवाएगा तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट ठीक है बेटा रेपो रेट वो हमेशा से रिवर्स रेपो रेट से है वो ज्यादा होगी बेटा ठीक है तो यहां पे ये आपको हमेशा से ये कॉन्सेप्ट वो हो, पता होना चाहिए एक और आपको यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन आपके नहीं लेकिन एनडीसीडीएस के अंदर क्वेश्चन इस तरह का मतलब जो डिस्कशन वाला कमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसके अंदर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है रेपो रेट इंक्रीज करने क्यों किया जाता है रेपो रेट को तो इंक्रीज क्यों किया जाता है और या रेपो रेट को डिक्रीज क्यों किया जाता है या ऐसे भी दे दिए कि रेपो रेट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे किस लिए किया जाता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है है ना कैसे किया जाता है क्योंकि रेपो रेट बढ़ाएंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट है वो लेंगे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो बैंक हमें भी पैसा देंगे तो क्या करेंगे हाई इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो इस वजह से क्या है कि हम लोन लेने से कतराएंगे लोन लेने से कतराएंगे तो मार्केट के अंदर पैसा कमाएगा मार्केट में पैसा कमाएगा तो यहां पे क्या होगा महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे खबरों में रहा लेवर कप किस खेल से संबंधित है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन लेवर कप है वो किस खेल से संबंधित है बेटा यहाँ पे तो करेक्ट आंसर है वो है आपका टेनिस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एक्सरसाइज विन 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे होमवर्क क्वेश्चन आपका और उसी के साथ में एक और मैं दो तीन पॉइंट और दूंगा एक तो इसका आपको डिटेल देनी है एक और मैंने भारत इंडिया और यूएसए के बीच में इंडिया यूएसए के बीच में एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन करवाया हुआ है इंडिया और यहाँ पे इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया इंडोनेशिया उसके बीच में यहाँ पे और एक प्रेजेंट में चल रही है, है ना वो एयरफोर्स वालों के लिए तो नहीं है एनडीसीडीएस वालों के लिए इंडिया और जापान के बीच में एनडीसीडीएस वालों के लिए तो प्रेजेंट एक्सरसाइज चल रही है वो तो मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हो रही है तो ये तीनों भी आपको होमवर्क के अंदर यहाँ पे इन चीजों को भी पता करना है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नीति आयोग ने किस देश में स्थित बीएम के साथ विकास सहयोग का संवाद आयोजित किया है बेटा किसने यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे किसके साथ में तो यहाँ बीएमजेड है ये नीति आयोग की त्रय काम करती है कहां पे जर्मनी के अंदर और आपका जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो नीति आयोग के सीईओ पूछ सकता है नीति आयोग के सीईओ है ना नीति आयोग के सीईओ है तो यहाँ पे सीईओ कौन है यहाँ पे नीति आयोग के श्री परमेश्वरम अय्यर साहब है और इनसे पहले जो सीईओ थे जो या जो पहले सीईओ थे नीति आयोग के वो कौन थे अमिताभ कांत थे जो अभी क्या है हमारे अभी जी ट्वेंटी के शेरपा है जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे अमिताभ कांत साहब वो हमारे यहाँ पे जी ट्वेंटी के शेरपा है प्रेजेंट के अंदर जी ट्वेंटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ और क्वेश्चन है वो यहाँ पे यहाँ पे आपके, आपके आ सकते हैं बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग मार्च फाइव बी रॉकेट जो दुर्घटनाग्रस्त होकर हिंद महासागर में उतरा किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था आपने कुछ दिनों पहले दिखा होगा कि आग मतलब की है समुद्र से बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे कि समुद्र से कुछ है वो तारे तारे टूट टूट के गिर रहे हैं है ना वो कैसे टूट टूट के गिरे थे यहाँ पे तो वो यहाँ पे जो चाइना है चाइना का जो रॉकेट था वो यहाँ पे क्या हो गया था कि वायुमंडल में वापस हुआ था क्रेश आके इंडियन ओशियन में या कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह का गिरा था तो वो यहाँ पे क्या है है हाँ ना तो यहां पे करेक्ट आंसर वो है बेटा चाइना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान जो हाल ही में शुरू किया गया था किस संस्थान से संबंधित है किस संस्थान से संबंधित है तो करेक्ट आंसर क्या है वो है आपका सी एस आई आर सी एस आई आर जिसको आप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी बोल सकते हो बेटा ठीक है उसी के साथ में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आ गया बार्क और जो आपका हमारे जितने भी न्यूक्लियर काम होते हैं वो सारा बार्क के अंदर होते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस के जितने भी जो रिसर्च होती है वो डी के अंदर होती है और यहाँ पे इसरो है जो हमारे जितना भी स्पेस का काम होता है वो इसरो है वो करता है एक और यहाँ पे इसरो और डिफेंस से दो अगर हम बात करें स्पेस आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा स्पेस और डिफेंस दोनों के अंदर ही डिफेंस दोनों के अंदर ही एफ कितना है दोनों के अंदर एफ डी है वो यहाँ पे कितना है दोनों के अंदर वो 74 परसेंट हो गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो स्पेस और डिफेंस दोनों के अंदर ही 74 परसेंट है वो हो गया उनचास परसेंट था जिसको बढ़ा के यहाँ पे 74 परसेंट कर दिया गया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रेजेंट में इंडिया में स्पेस के अंदर एफडीआई का कितना परसेंट है तो ये सेवेंटी है डिफेंस के अंदर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि डिफेंस के अंदर हमें यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर है वो डिफेंस के अंदर हमने कितना एफ परसेंट एफ है वो अलाउ कर दिया गया है बेटा ठीक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहां पे हाल ही में किस देश ने असामान्य रूप से शुष्क गर्मी के बाद पानी की कमी की घोषणा की है ये यूरोपियन कंट्रीज की बहुत बड़ी समस्या है वहां पे क्या होता है तीस बत्तीस डिग्री के ऊपर वो कभी फैन वैन तो रखते नहीं है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसेंटली लास्ट ईयर का है, वो फैन वैन तो गर्मी सर्दियों के अंदर क्योंकि वो हीटर रखते हैं हर घर के अंदर वहाँ पे हीटर मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे किसी भी रेयरली किसी घर के अंदर ऐसी मिलेगा और फैन भी नहीं मिलेगा और जैसे ही वहाँ पर क्या होता है कि जब गर्मी अगर थोड़ी सी बढ़ जाए वहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर में तो लोग बोलते हैं कि लू चलना शुरू हो गई है ना और वहाँ पे क्या हो गया था रिसेंटली इतना क्राइसिस हुआ था कि वहाँ पे मतलब कि पंखे मिलना मार्केट के अंदर बंद हो गया था एकदम से इतनी डिमांड जनरेट हुई थी तो ये कहाँ पे हुआ था ये नीदरलैंड के अंदर हुआ था बेटा ना ये आपका नीदरलैंड के अंदर हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा किस देश ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया जिसमें कहा गया कि प्रकृति के अधिकार है मतलब नेचर के राइट्स है हम इंसानों की राइट्स की बात करें ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा देश है जिसने अपना ही

एट्टी परसेंट लिथियम है वो कहाँ पे बेटा एट्टी परसेंट लिथियम वो चीले के अंदर है अब ये लिथियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ये हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उनके अंदर यहाँ पे क्या है इसका यूज़ होता है लिथियम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को बनाने के लिए काम में आता है और उसी वजह से यहाँ पे क्या है लिथियम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है करंट अफेयर्स का मैंने लिथियम को लेकर कल एक और क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे इंडिया है वो यहाँ पे दो खदाने दो खदानें हैं वो यहाँ पे कौन से देश के अंदर यहाँ पे लिथियम की परचेज किए हैं यहाँ पे दो खदानें हैं वो अर्जेंटीना से अर्जेंटीना से यहाँ पे अर्जेंटीना से यहाँ पे क्या है यहाँ पे इंडिया ने दो खदानें वो लिथियम की परचेज कर लिए लास्ट वीक की ही खबर है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपके क्वेश्चन वो आ भी सकता है क्योंकि ये कमिटी है या तीन बंदों की कमिटी है वो अर्जेंटीना लगभग एक डेढ़ महीने पहले भेजी गई थी और उसी वजह से यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना से हमने दो खदाने वो लिथियम की परचेज कर ली है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे प्रधानमंत्री शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया गया है ये आपको दो तीन वर्ड है जिनका पूरा पता होना चाहिए आपको पीएम गति शक्ति क्या है और ये पट्टे वाली कहानी है पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन का मतलब है कि 35 साल तक यहाँ पे क्या है जो रेलवे की जो जमीन है उसके ऊपर पट्टा दिया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे क्या है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे और उसमें जो रेलवे की जमीन है वो रेलवे की जमीन है वो यहाँ पे मतलब की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को सेटअप करने के लिए यूज की जा सकती है जिसका पट्टा दिया जा रहा है पैतीस साल का अब ये पीएम गति शक्ति पीएम है? है वो आपकी भारत माला, भारत माला, सागर माला, जितनी भी मालाएं जो योजनाएं चल रही थी, वो सारी मालाओं बना हाँ दिया, माला, माला, माला दिया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पीएम गतिशक्ति शक्ति है 2024 से 25 तक यहां पे हम लगभग 120 लाख करोड़ रुपया लाख करोड़ रुपया है लाख करोड़ रुपया है वो यहां पे लाख करोड़ रुपया है वो यहाँ पे हम खर्च करने की बात कर रहे हैं अगले तीन से चार साल में 2020 से लेकर 2025 हजार पांच साल के बीच में हम 120 लाख करोड़ रुपए की खर्च करने की बातचीत कर रहे हैं बेटा ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है करंट अफेयर के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन मैंने और करवाया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेजेंट में हमारी जीडीपी का लगभग तेरह से चौदह खर्चा है वो हमारा यहाँ पे किसके अंदर लॉजिस्टिक के अंदर खर्च हो जाता है जिसको रिड्यूस करके यहाँ पे पीएम गति शक्ति के तहत हम यहाँ पे एट टू नाइन परसेंट ला सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर इसकी कॉस्ट है वो लॉजिस्टिक खर्चा हमारा आठ से नौ परसेंट होता है अपनी जीडीपी का हमारे यहाँ पे तेरह से चौदह परसेंट होता है और उसी वजह से हमारी क्या लागत कॉस्ट बढ़ जाती है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा है हाँ ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का विश्व कोष जारी किया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स है ना तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है बेटा कौन सा स्टेट है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है यह हाँ आपका उड़ीसा उड़ीसा से ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलाऊ की यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति है प्रेजेंट राष्ट्रपति है राष्ट्रपति है वो यहाँ पे कहाँ पे कहाँ से बेटा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू कहाँ से है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका बेसिक क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू तो ये आपका यहां पे क्या है हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो कहां से है उड़ीसा से है और वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति कहा से है उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहां से है बेटा प्रेजेंट धनकर साहब जो उपराष्ट्रपति है वो कहां से है आपके वो राजस्थान से है बेटा वो कहां से है वो राजस्थान से है है ना एक और क्वेश्चन मैंने उपराष्ट्रपति को करवाया था कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है उपराष्ट्रपति होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में किस विदेशी बैंक की आईएफएससी बैंक यूनिट का उद्घाटन किया गया है है ना कौन सा बैंक है बेटा तो यह है आपका डॉइच बैंक डॉइच बैंक है ना जर्मन बैंक है जिसको डॉइच बैंक है वो नाम दिया गया है वहां पे इसी मतलब कि जर्मनी के अंदर भी इसको डॉइच बैंक ही बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए सीडीएस के लिए तो इसको मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बोलूंगा क्यों क्योंकि इसके ऊपर परसों ही एक मीटिंग हुई है परसों ही एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर मोर देन 120 कंट्रीज मोर देन 120 ट्वेंटी कंट्रीज है वो यहाँ पे क्या हुई है साउथ साउथ की या ग्लोबल साउथ की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे थे और उसके अंदर यहाँ पे ग्लोबल साउथ की इंडिया ने यहाँ पे एक मीटिंग की है और उसके अंदर आप अगर बहुत डिटेल के अंदर जाओगे अभी तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन ग्लोबल साउथ का एक अपना टॉपिक है जो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एनडीसीडीएस के लिए एयरफोर्स के लिए तो ये मान के चलो कि ग्लोबल साउथ है तो उसका यहाँ पे ये यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है ये सेप्टेंबर बारह को सेलिब्रेट किया जाता है इतना समझ लो लेकिन एनडीसीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ग्लोबल साउथ का इंपॉर्टेंस क्या है और इनका यहाँ पे इंडिया कैसे यूटिलाइज कर रहा है इंडिया हमेशा से ही अभी क्या है रिसेंटली जितने भी इवेंट हुए उनके अंदर ग्लोबल साउथ की यहाँ पे क्या कर रहा है हिमायत कर रहा है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और इंडिया उनकी हिमाकत कर रहा है कि यहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको उनका हिस्सा उनका शेयर नहीं मिल रहा है और वो उनको अपना हिस्सा है वो मिलना चाहिए ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है राखीगढ़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एग्जाम में आ सकता है राखीगढ़ है वो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राखीगढ़ है वो यहाँ पे हरियाणा में है ये इंदुस वाटर टीटी टी इंदुस वाटर टीटी का हिस्सा है अपना इंदुस वाटर टीटी का हिस्सा है सॉरी सो, <laughs> इंदुस वैली का इंदुस वाटर नहीं इंदुस वैली का है ना यहाँ पे फ्लो फ्लो के अंदर क्या से क्या निकल जाता है है ना इंदुस वैली सिविलाइजेशन है इंदुस वैली सिविलाइजेशन है जिसके अंदर हड़प्पा और मोन जोजो है वो यहाँ पे दो प्राचीन सिटीज है वो निकले थे पहले जो पाकिस्तान के अंदर है और उसी कड़ी के अंदर यहाँ पे नए जो यहाँ पे क्या है नए आपके जो शहर सर्च किए गए हैं उसके अंदर यहाँ पे राखी गढ़ी है वो यहाँ पे इंदुस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो शहर है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है जो कहाँ पे है हरियाणा के अंदर है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस मैराथन की फिर से खूबी बता दूं सुबह सात बजे से शुरू होगी जो रात को शाम को सात बजे तक चलेगी और उसके बाद में क्लास सेव नहीं होगी सात बजे आपका कल भी ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है हर बच्चा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी ऑर्गेनाइज वो अटेंड करें और ये मैराथन है वो भी ज़रूर अटेंड करें क्यों क्योंकि यहाँ पे आपके टॉप वन थाउजेंड क्वेश्चन है वो वन थाउजेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा भारतीय किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीतों को फिर से लाने के लिए तैयार है ये कुनो नेशनल पार्क है वो आपको मैंने यहाँ पे करवा चुका हूं मैं पहले है ना बेटा जो एमपी के अंदर है जो एमपी के अंदर है मध्य प्रदेश के अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पीएम जीके क्या है जिसे हाल ही दिसंबर दो तक बढ़ा दिया गया है है ना ये पी एम की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो यह है आपका क्या है फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो योजना से आपको यहां पे पता चल गया होगा कि क्या है ये फ्री फूड ग्रेन स्कीम है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2022 तक जीडीपी के अनुवाद से रूप में भारत में रसद लागत क्या है ये अभी करवा दिया मैंने आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं आपके 13 से 14 परसेंट वो हमारी कॉस्ट होती है जिसको हम रिड्यूस करके पीएम गति शक्ति के तहत हम 8 से 9 परसेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा छात्रों को सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है कौन सा स्टेट है जिसने यहाँ पे नीति नित्य, आयोग के साथ में तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश है वर्ष 2020 के दादा साहब फॉल के पुरस्कार के विजेता कौन है बेटा कौन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह है आपका आशा पारेख आशा पारेख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश खाद्य दे और कृषि के लिए पादिव आनुवांशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के शासी निकाय सत्र का मेजबान है किसने यहाँ पे ये मीटिंग होस्ट की है बेटा यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर को लेके तो ये किसने की है ये इंडिया ने की है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल के सहयोग से परिवहन उत्सर्जन डेटा प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है पहला भारतीय शहर कौन सा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो यह है आपका औरंगाबाद औरंगाबाद है जिसका नाम चेंज होकर क्या हो गया कमेंट सेक्शन में बताना औरंगाबाद और का नाम चेंज होकर क्या हो गया है और ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन जैसे मैं वा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोलता हूं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है वैसे यहां पे आपका सीडीएस का नाम भी पूछा जा सकता है तो हमारे यहां पे जो रिप्रेजेंट जो आपके ये है सी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब ठीक है इसी के साथ में आपका क्वेश्चन एनडीसी में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है ये कि यहाँ पे सी के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज है वो यहाँ पे बासठ साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप यहाँ पे सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो रिसेंटली मॉडिफिकेशन हुआ है उसी के साथ में एक और क्राइटेरिया है कि यहाँ पे अब थ्री स्टार जनरल थ्री स्टार जनरल या फोर स्टार जनरल फोर स्टार जनरल या थ्री स्टार जनरल कोई भी यहाँ पे क्या है सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है फोर स्टार जनरल है वो सिर्फ यहाँ पे आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ और नेव

एस है उसके अंदर कौन सा कंट्री है वो यहाँ पे शामिल हो गया नया मेंबर कौन सा बना है नया मेंबर यहाँ पे कौन सा बना है कल सर एनडी की क्लासेस होगी कल एनडी की नहीं कल क्लासेस नहीं होगी बेटा कल एनडी क्लासेस नहीं होगी तो यहाँ पे किस सर ने यहाँ पे क्योंकि वहां पे जो कंटेंट है वो वैसे यूनिक कंटेंट है और हम चाहते हैं कि आप भी उन क्लासेस को लो एनडी वाला बच्चा है वो भी ले और यहाँ पे एनडी के जो बच्चे हैं वो भी वो एग्जाम्स दे रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई क्लास सेव नहीं होगी तो यहाँ पे उनके साथ में अन्याय नहीं कर सकते ठीक है ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपका दो एस के लिए यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे किसने नया मेंबर बना है ये ईरान बना है और अगले साल यहाँ पे कौन सा नया देश बन जाएगा यहाँ पे बेलारूस है वो मोस्ट लाइकली अगला देश है जो यहाँ पे एस का मेंबर बनेगा और एस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास में है प्रेसिडेंट है वो दो का वो आपका कौन है इंडिया है बेटा इंडिया है और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों एस सी की मेंबर कंट्रीज कब बने थे ये दोनों बने थे यहाँ पे 2017 के अंदर 2017 के अंदर यहाँ पे ये बने थे आपका चाइना हो गया रशिया हो गया उसके साथ ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर थे तो यहाँ पे टोटल पहले आठ कंट्री थे ईरान नौवा कंट्री है वो इसके अंदर एड हो गया है और बेलारूस वो मोस्ट तो लाइकली अगला देश है वो हो गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस संस्था ने इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल विकसित किया है इंस्टीट्यूशन डेवलप द इंडियन वर्चुअल हर्बेनियम पोर्टल किसने क्या है दस क्वेश्चन तो और बेटा तो यहाँ पे क्विकली देख लिया किस भारतीय कंपनी ने सेनेगल स्थित बाउबाब माइनिंग एंड केमिकल कॉरपोरेशन से हिस्सेदारी हासिल की तो यह आपका कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड राज्य ने नीति आयोग जैसा राष्ट्रीय स्तर संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है तो यह क्या, क्या, क्या है तेलंगाना माराश्ट्रा, माराश्ट्रा. क्या है आपका वो है आपका कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का मेजबान है कौन सा शहर है दुबई इब्राहिम सोली जो हाल ही में भारत आए थे किस देश के राष्ट्रपति है बेटा तो आपके मालदीव के मालदीव के हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम का परीक्षण किया है किसने यहाँ एटीजीएम का मतलब है एंटी एंटी टैंक टैंक गाइडेड गाइडेड मिसाइल मिसाइल क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 है तो ये किसने किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डीआरडीओ ने 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश है इसको मैं आपको कई बार करवा चुका हूं यहाँ पे इंडिया है वो नंबर वन पे आ गया है इसको लेके और नेक्स्ट क्वेश्चन है, है? तो है, है. है स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है तो यह आजादी सेटेलाइट जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, है ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है किस देश ने जहाजों के लिए बाल्टिक सागर से वि... विस्तुला लेगुन बंदरगाह तक तो जाने के लिए एक नई नहर खोली है तो ये किसने खोली है पोलैंड ने खोली जिसे कि रशिया से परमिशन है वो नहीं लेनी पड़े और आज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नैनसी पेलोसी जो ताइवान में उत्तरी किस देश की राजनीतिज्ञ है ये यूएसए की राजनीतिज्ञ है बेटा ये हमारे क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मैराथन हो यहाँ पे आप कल जरूर लोगे आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे महावज्ञ के अंदर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ऑल इंडिया लाइव